हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं CBR 150 RR 2021 के बारे में। इस बाइक का न्यू मॉडल रिसेंटली अभी थाईलैंड और इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ है और ये बाइक जल्द ही इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है, क्योंकि इंडिया में देखे तो होंडा की कोई भी फुल फेड स्पोर्ट्स बाइक नहीं है। इंडिया में भी होंडा की हॉर्नेट 2.0 और एक्सब्लेड जैसी नेक्ड बाइक ही है। ऐसे में CBR 150 R एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो होंडा की स्पोर्ट्स बाइक पसंद करते हैं। इस बाइक में हमें 149 सीसी का लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक 4 वाल्व DOHC इंजन मिलने वाला है, जो कि लगभग 17.3 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 9000 RPM पे और 14.4 न्यूटन मीटर इसमें टॉर्क है 7000 RPM पे। पावर फिगर्स को देखें तो ये बाइक R15 V3 से थोड़ी कम पावरफुल होगी और इसकी टॉप स्पीड भी लगभग 135 किलोमीटर तक की होने वाली है। यह बाइक 6 गियर बॉक्स के साथ आती है और यहाँ पे स्लीपर क्लच भी है। इस बाइक में हमें फ्रंट में और रियर में डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं और यहाँ पे ड्यूल चैनल ABS भी है। इस बाइक के टायर साइज की डिटेल्स आपकी स्क्रीन के सामने है। CBR 150R के न्यू मॉडल में यहाँ पे चेसी में काफी बड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया है। अब इसकी चेसी पहले से लाइटवेट है और मजबूत भी हो गई है। इस बाइक का जो लुक है वो भी काफी अच्छा लग रहा है। इसमें ढेर सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको इस बाइक का लुक कैसा लग रहा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थोड़े बहुत डायमेंशंस की बात करें तो 787 mm इसकी सीट हाइट है, 166 mm इसका ग्राउंड क्लीयरेंस है एंड करीब 135 kg इस बाइक का टोटल वेट है। इस बाइक में हमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जिसमें काम के सारे फीचर्स हैं। इसमें कुछ मॉडर्न डे के फीचर्स भी हैं, जैसे कि आप इसमें अपनी गियर पोजीशनिंग देख सकते हैं, इसमें टॉप स्पीड रिकॉर्ड कर सकते हैं और रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हैं। इस बाइक में हमें जितनी भी लाइट्स देखने को मिलती हैं वो सारी की सारी LED की हैं, जैसे कि सामने की ड्यूल हेडलाइट, पीछे के टेल लाइट और ब्लिंकर्स भी यहाँ पर LED के हैं। बाइक में हमें रियर में मोनोसा का सस्पेंस मिलता है और फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंस मिल जाता है। यहाँ पे रियर सस्पेंशन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो CBR 150 RR यहाँ पे RS 200 और R15 V3 जैसी बाइक्स के लिए कंपटीशन क्रिएट करेगी। और इस बाइक के लॉन्चिंग की बात करें तो ये बाइक अभी तक इंडिया में लॉन्च हो जाती अगर COVID-19 ना आता तो। COVID-19 के कारण ये बाइक काफ़ी डिले हो गई और अब ये बाइक 2021 के मिड में लॉन्च हो सकती है। मिड में लॉन्च नहीं होगी तो मैं भी ये फेस्टिवल सीजन में लॉन्च हो सकती है। और इसके प्राइसिंग की बात करें तो वो करीब एक्सपेक्टेड है 1.6 लाख रुपीस। इसकी प्राइसिंग थोड़ी हाई होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं होंडा की प्राइसिंग दूसरे बाइक से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ।